लाहौर पानी पानी हो गया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली चंद घंटों की बारिश से सड़कें, नदियां, चौक चौराहे, तालाब बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। बीबी पाक दामन से मुलाहिका बाजार और गलियों में कई कई फीट पानी जमा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। डेविस रोड और गवर्नर हाउस की एक भी सड़क डूब गई। शादीमान का इलाका और वॉल्टन रोड भी जेरेआब। रेलवे रोड और ब्रांडरेथ रोड मार्केट में पानी जमा होने से दुकानदार कारोबार नहीं खोल सके। बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट और रहमान गलियां मार्केट तालाब के ताजिर निकासी आपके लिए बासा अमले के मुंतजर रहे। सबसे ज्यादा बारिश जेल रोड और निश्चर टाउन के इलाकों में 20 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। बारिशी पानी की निकासी न होने से सब्जी मंडियां ताफून और कीचड़ का अंबार। बादामी बाग सब्जी मंडी में रास्ते महदूद। व्यापारियों, माशाखोरों और खरीदारों का आना जाना दोभर हो गया। सब्जी मंडी मुल्तान रोड में भी सूरत हाल नगुफ्ता। दुकानदारों का इंतजामिया की गफलत पर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मौसम मेहरबान, लाहौरियों की जान में जान। मूसलाधार बारिश से सख्त गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खुशगवार मौसम में शहरियों के साथ साथ मुरझाए गुंचे और गलियां भी खिल उठी। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद दो रोज जारी रहने की पेशगोई कर दी। नैब की जानिब से कोई सवालनामा नहीं मिला। कारोबार और आमदन के बारे में पूछा गया, जो पूछा उसका जवाब दे दिया। सुबह वजीर मेहनत अंसर मजीद खान की नैब पेशी से वापसी पर मीडिया से बातचीत। नैब हुकाम ने सुबह वजीर से गैर कानूनी तकरियों तबादलों पर पूछताछ की। ऑरेंज ट्रेन के बाद रीना से भी गुजार हुकूमत की बेएतनाई। 20 माह की ताखीर से मंसूबे की लागत में दूसरी बार इजाफा। तखमीना दो अरब से तजावुज कर गया। पीपा की नाअहली पर एलडीए के हवाले किए जाने वाले अरीना प्रोजेक्ट में बदतरीन माली और इंतजामी बदनज़मी का भी इंकशाफ। गैर कानूनी कटौतियों के बहुत से कॉन्ट्रैक्टर बैंक डिफॉल्टर हो गए। सुई गैस कंपनी मीटर्स की किल्लत का शिकार। 50,000 कनेक्शन की तंसीब में ताखीर। दो साल से जमा कराए 50,000 डिमांड नोटिसेस पर कनेक्शन के लिए सार्फीन कंपनी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सरकारी स्कूल्स के लिए कुतुब की खरीदारी में घपले। तमाम टेंडर्स इश्तिहार मंसूख। हुकाम ने खरीदारी का नया तरीकेकार गुजा कर दिया। 11 जिला के 440 स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी का इख्तियार PMIU से लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया। शफाफ अंदाज में काम की तकमील के लिए 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी। बोहड़वाला चौक टिम्बर मार्केट में 10 रोज से बिजली की आनिया जानिया। शिकायत के बावजूद लेस्को अमले की अदम तौजी पर इलाका मकीनों का सबर जवाब दे गया। अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहरा, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बिजली बहाली का मुतालबा। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर एपका का एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर हाजी अर्शाद ग्रुप का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारे, 2 साल कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। मुजाहरीन का तनख्वाहों में इजाफे, ग्रुप इंश्योरेंस और मुस्तकली का मुतालबा। एहतजाज के सबब अहम शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। MAO कॉलेज तक गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। ख्वाजा बरादरान पेश। हस्पताल में दाखिल कैसर अमीन भट तबीयत नासाज होने की बिना पर वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड ना करा सके। जज ने ML सर्विसेज से वादा माफ गवाह की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के बाहर ख्वाजा साद रफी की मीडिया टॉक। कहा हुकूमत का एजेंडा सिर्फ मुखालिफीन को कुचलना है। 2 साल में ही मुईशत तबाह कर दी। कोरोना के सेहतयाब मरीजों के प्लाज्मा फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत हाई कोर्ट को मुतमिन करने में नाकाम। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का वजीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया। रिमार्क्स में कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का लाइसेंस बोर्ड मुकम्मल फाल नहीं। तकरीरों के मामले पर भी सिकम है। अथॉरिटी के क्याम, इख्तियारात और तकरीरों का डेटा दिया जाए या चेयरमैन अथॉरिटी अदालत में पेश हो। सेक्रेटरी सेहत की अथॉरिटी फाल करने की यकीन दहानी पर समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी। जिन पायलट्स के लाइसेंस को मुअत्तल किया गया उन्होंने कोई जहाज गिराया है। जिस पायलट के जहाज का हादसा हुआ उसका लाइसेंस तो ठीक था। PIA के 2 मुअत्तल पायलट्स की दरखास्त पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। कहा विफाकी वजीर के बयान से पाकिस्तान को दुनिया भर में नुकसान हुआ।
भारत में ऐसा मामला हुआ तो उन्होंने खामोशी से पायलट्स को अंडरग्राउंड कर दिया। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरखास्त गुजारों के खिलाफ फतमी कार्रवाई से रोक दिया। सियासी कारकुन सियासी जमातें तैयारी कर लें, नवंबर के वस्त में बलदियाती इंतखाबात के लिए समरी, पंजाब हुकूमत को इस साल दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात जनवरी के वस्त में होंगे। महकमा बलदियात हतमी फैसला समरी मंजूरी के बाद करेगा। गवर्नर पंजाब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, सूबाई मामला, गुड गवर्नेंस और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से वजीर इत्तला पंजाब की भी मुलाकात, फयाजुल हसन चौहान से गुफ्तगू में कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी होगी, इमरान खान ही मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। पंजाब के सियासी मंजरनामे में तब्दीली के आसार, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत दीगर आम शख्सियात की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में पार्टी क्यादत की सलाहियतों पर भरपूर इजहार एतमाद। चीनी वक्त की मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक से मुलाकात, कोरोना की रोकथाम के लिए 5,000 फेस मास्क, ग्लव्स समेत दीगर इमदादी सामान लीग की क्यादत के हवाले। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नसीर का बेमिसाल पाक चीन दोस्ती पर फख्र का इजहार। चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी की लाहौर चैम्बर क्यादत से मुलाकात, कस्टम कलेक्टोरेट से मुतल्लिका मसाइल पर बातचीत। चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेसमेंट की कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए कस्टम सहूलियात डेस्क की जरूरत पर भी इत्तेफाक। हुकूमत ने बड़े स्कूल से मिलकर कोरोना SOPs तैयार कर लिए, कम फी वाले प्राइवेट स्कूलों का मुशावरत में शामिल न करने पर तहफुजात का इजहार, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमती SOPs मुस्तरद कर दिए, कोरोना वबा के नुकसान से निबड़ने के लिए बिला सूदी कर्जे जारी करने का मुतालबा। कल के क्रिकेट स्टार्स आज क्रिकेट गुरु बन गए PCB हुकाम का, सूबाई टीमों की कोचिंग के लिए सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक के नामों पर इत्तेफाक। बोर्ड का साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद, अतीकुज़्ज़मान, बासित अली, गुलाम अली और राना नबीबुल हसन के नामों पर भी गौर। नवीद आलम पर हॉकी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहने का इल्जाम साबित, पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने ओलंपियन पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। नवीद आलम पर पाबंदी 17 अगस्त को एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लगाई गई थी।